दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और दबाएं इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे आने वाले वीडियो को सबसे पहले। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो मध्य प्रदेश राज्य के रुद्र सागर झील के किनारे बसे प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है, जो हिंदुओं के सबसे पवित्र और उत्कृष्ट तीर्थ स्थानों में से एक है। इस मंदिर में दक्षिणमुखी महाकालेश्वर महादेव भगवान शिव की पूजा की जाती है। महाकाल के यहाँ प्रतिदिन सुबह के समय भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें मुर्दे की भस्म से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस जगह को भगवान शिव का पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर आधुनिक और व्यस्त जीवन शैली होने के बाद भी यह मंदिर यहाँ आने वाले पर्यटकों को पूरी तरह से मन की शांति प्रदान करता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह एक अत्यंत पुण्यदायी मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकालेश्वर मंदिर को भारत के टॉप 10 तंत्र मंदिरों में से एक माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भस्म आरती की रस्म निभाई जाती है। यह आरती रोज भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए दुनिया के विभिन्न कोनों से लोग मंदिर में आते हैं। महाकालेश्वर के इतिहास के बारे में बात करें तो बता दें कि सन 1107 से लेकर 1728 तक उज्जैन में यवनों का शासन रहा था। इस शासन काल में लगभग हिंदुओं की प्राचीन परंपराएं लगभग नष्ट हो गई थी। इसके बाद मराठों ने 1690 में मालवा क्षेत्र में हमला कर दिया था। फिर 29 नवंबर 1728 में मराठा शासकों ने मालवा में अपना शासन कर लिया था। इसके बाद उज्जैन की खोई हुई गौरव और चमक फिर से वापस आई। इसके बाद 1728 से 1731 तक यह मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के अधिपत्य के समय यहाँ पर दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना यह थी कि पहले यहाँ पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर का फिर से निर्माण किया गया और ज्योतिर्लिंग की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिली। इसके बाद यहाँ सिंहस्थ पर्व स्थान की स्थापना की गई, जो बेहद खास उपलब्धि थी। आगे चलकर इस मंदिर का विस्तार राजा भोज द्वारा किया गया। उज्जैन आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक महाकालेश्वर मंदिर के रहस्य और कहानी के बारे में जानने में काफी रुचि रखते हैं। आपके मन में भी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास को लेकर काफी सवाल होंगे, तो चलिए आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस हुई थी कि सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। उनका परीक्षण करने के लिए भगवान शिव ने तीनों लोकों में प्रकाश के एक अंतहीन स्तंभ को ज्योतिर्लिंग के रूप में छेदा और इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा प्रकाश के अंत का पता लगाने के लिए स्तंभ के साथ नीचे और ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी झूठ बोल देते हैं कि उन्हें अंत मिल गया और विष्णु हार मान लेते हैं। फिर शिव प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि उनका किसी भी समारोह में कोई स्थान नहीं होगा, जबकि विष्णु जी की अनंत काल तक पूजा होगी। ज्योतिर्लिंग वो जगह है जहाँ भगवान शिव प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से प्रत्येक में शिव के अलग अलग नाम हैं। इन सभी ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का अलग अलग स्वरूप माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर मराठा, भूमिज और चालुक्य शैलियों की वास्तुकला का एक सुंदर और कलात्मक मेल है। यह पवित्र मंदिर एक झील के पास स्थित है, जो विशाल दीवारों से घिरे हुए विशाल आंगन में स्थित है। बता दें कि इस मंदिर में 5 मंजिलें हैं, जिनमें से एक जमीन के अंदर स्थित है। यहाँ पर महाकालेश्वर की विशाल मूर्ति गर्भगृह में स्थित है और यह दक्षिणा मूर्ति है, जिसका मतलब होता है दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाली मूर्ति। यह खास बातें सिर्फ महाकालेश्वर मंदिर में पाई जाती है। महाकालेश्वर के इस सुंदर मंदिर के मध्य और ऊपर के हिस्सों में ओमकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर के लिंग स्थापित हैं। लेकिन आप नागचंद्रेश्वर के मूर्ति दर्शन सिर्फ नाग पंचमी के अवसर पर ही कर सकते हैं, क्योंकि केवल इसके इस खास मौके पर ही इसे आम जनता के दर्शन के लिए खोला जाता है। इस मंदिर के परिसर में एक बड़ा कुंड भी है, जिसको कोटी तीर्थ के रूप में जाना जाता है। इस बड़े कुंड के बाहर एक विशाल बरामदा है, जिसमें गर्भगृह को जाने वाले मार्ग का प्रवेश द्वार है। इस जगह गणेश, कार्तिकेय और पार्वती के छोटे आकार के चित्र भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर गर्भगृह की छत को ढकने वाली गुड़, चांदी
इस तीर्थ जगह की भव्यता को और भी ज्यादा बढ़ाती है। मंदिर में बरामदे के उत्तरी भाग में एक कक्ष है जिसमें भगवान श्री राम और देवी अवंतिका के चित्रों की पूजा की जाती है। बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना और अभिषेक आरती सहित सभी अनुष्ठान पूरे साल नियमित रूप से किए जाते हैं। हम आपको इस मंदिर में मनाए जाने वाले सभी मुख्य त्योहार और होने वाले समारोह के बारे में बताने जा रहे हैं। नित्य यात्रा। बता दें कि नित्य यात्रा में शामिल होने वाले सभी भक्त यहाँ की पवित्र नदी शिप्रा में स्नान करते हैं और इसके बाद इस यात्रा में नागचंद्रेश्वर, कोटेश्वर, महाकालेश्वर, देवी अवंतिका, देवी हरसिद्धि और अग्रसेनवारा के दर्शन किए जाते हैं। महाकाल यात्रा। इस यात्रा की शुरुआत रुद्र सागर से होती है। रुद्र सागर में स्नान के बाद भक्त देवों के दर्शन करते हैं। तीसरी सवारी। महीने के हर सोमवार उज्जैन की सड़कों पर पवित्र सवारी जुलूस को कुछ विशेष समय पर निकाला जाता है। भाद्रपद के अंधेरे पखवाड़े में यह सवारी लाखों लोगों को आकर्षित करती है। इस यात्रा को बहुत ही धूमधाम के साथ निकाला जाता है। विजयादशमी उत्सव के दौरान यह जुलूस काफी रोमांचक और आकर्षक होता है। महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना होने वाली भस्म आरती सबसे खास होती है। यह आरती सुबह होने से पहले होती है जो भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भगवान की पूजा घाटों से लाई गई पवित्र राख से की जाती है। आरती का आयोजन करने से पहले राख को लिंगम में लगाया जाता है। आरती में शामिल होने वाले लोगों की खुशी और उल्लास की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि यह आरती एकमात्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में ही की जाती है। इस आरती में शामिल होने के टिकट ऑनलाइन उपलब्ध है और इसके लिए आपको एक दिन पहले आवेदन करना होगा। आवेदन केवल 12:30 बजे तक स्वीकार किए जाते हैं। इसके बाद शाम 7 बजे सूची घोषित की जाती है। अगर आप उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन के लिए जा रहे हैं और यहाँ की सबसे खास भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो बता दें कि यह आरती बहुत विशेष होती है। भस्म आरती महत्व की वजह से कई घंटों पहले ही भक्त लाइन में लग जाते हैं, इसलिए आप इस आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग करके आ रहे हैं तो अपने साथ किसी भी तरह की आईडी जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी जरूर लेकर आएं, क्योंकि यहाँ की समिति आपको अपनी आईडी के आधार पर ही आरती में शामिल होने की अनुमति देगी। आइए अब जानते हैं महाकालेश्वर उज्जैन के आसपास के पर्यटन स्थलों के बारे में। पहला, गढ़ कालिका मंदिर। गढ़ कालिका मंदिर उज्जैन में ऐतिहासिक महत्व का एक लोकप्रिय मंदिर है। यहाँ देवी की पूजा बहुत ही प्रिय रूप से की जाती है क्योंकि लोग उन्हें कालिदास की इष्ट देवी मानते हैं जो साहित्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं। दूसरा, हर सिद्धि मंदिर। देवी हर सिद्धि की पूजा उज्जैन में बड़े समर्पण के साथ की जाती है क्योंकि उन्हें विक्रमादित्य की इष्ट देवी माना जाता है और इस मंदिर को ऊर्जा और शक्ति स्रोत के रूप में जाना जाता है। तीसरा, मंगलनाथ मंदिर। उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर मंगल ग्रह की जन्मभूमि होने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है उन्हें यहाँ आने की सलाह दी जाती है और विशेषज्ञ पुजारियों द्वारा मंगल के लिए शांति पूजा की जाती है। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में स्थित अत्यधिक प्रशंसित मंदिरों में से एक है। मंगलनाथ मंदिर पृथ्वी का केंद्र है और कथित तौर पर प्रसिद्ध कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। स्थानीय लोगों के अनुसार मिस वर्ल्ड और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी से पहले मंगल दोष को दूर करने के लिए इस मंदिर में आई थी। चौथा, श्री राम जानकी मंदिर। श्री राम जानकी मंदिर एक शांत और अच्छी जगह है जहां आप आध्यात्मिक वातावरण पा सकते हैं। उज्जैन में ऐतिहासिक मंदिरों की तुलना में नया होने के बावजूद मंदिर की वास्तुकला यहां आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है। पांचवा, काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर महाकाल के संरक्षक काल भैरव को समर्पित है। यह शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यह शहर के सबसे सक्रिय मंदिरों में से एक है। यहाँ रोजाना सैकड़ों भक्त आते हैं। मंदिर में देवताओं को पंच तंत्रिका अनुष्ठानों में से एक के रूप में पंचम कार, माद्य यानी शराब, मांसा यानी मांस, मीना या मत्स्य यानी मछली, मुर्दा, गर्व या परिक्रमा और मैथुना संभोग की पेशकश की जाती है। पुराने समय में सभी 5 आहुतियां देवताओं को दी जाती थी लेकिन अब केवल शराब ही चढ़ाया जाता है। यहाँ पुजारी भक्त से बोतल लेता है, उसे खोलते हैं और तश्तरी में कुछ शराब डालते हैं और भैरव देवता के होंठों के पास रखते हैं और शराब गायब हो जाती है। शेष बोतल प्रसाद के रूप में भक्त को सौंप दी जाती है। छठवां, रामघाट।
राम घाट उज्जैन के एक पवित्र घाट है जो पवित्र स्नान के लिए बहुत महत्व रखता है। विशेष रूप से यह घाट कुंभ स्नान के दौरान लोगों के लिए एक पसंदीदा स्नान स्थान है। सातवां, सांदीपनी आश्रम। उज्जैन में हरियाली प्रेमियों और पिकनिक करने में रुचि रखने वालों के लिए लोकप्रिय स्थान सांदीपनी आश्रम है। यह भगवान कृष्ण और बलराम के शिक्षा स्थान होने के लिए ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। अगर आप महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं और रुकने की जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप मंदिर में ही रुकना चाहते हैं तो बता दें कि श्री महाकाल धर्मशाला और पंडित श्री सूर्य नारायण व्यास धर्मशाला दोनों एसी और गैर एसी कमरे उपलब्ध कराते हैं। इस जगह आप रूम आसानी से मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट की मदद से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अगर आप दूसरे अन्य होटलों में रहना चाहते हैं तो उज्जैन शहर में कई प्रकार के अच्छे होटल भी हैं जो सुलभ और सस्ते हैं। महाकालेश्वर उज्जैन के सबसे खास तीर्थ स्थानों में से एक है। यह जगह श्रद्धालुओं के साथ यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित करती है। अगर आप भी महाकालेश्वर या उज्जैन घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि आपके लिए यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक के महीनों का रहेगा। यह समय सर्दियों और वसंत का रहता है, इसलिए इससे अच्छा समय महाकालेश्वर जाने के लिए और कोई नहीं हो सकता। अप्रैल से लेकर जून तक यहाँ जाने से बचें, क्योंकि इन महीनों में यहाँ अत्यंत गर्मी पड़ती है। अगर आप उज्जैन या महाकालेश्वर जाने की योजना बना रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि यहाँ कैसे पहुँचे तो आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। बता दें कि उज्जैन भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ तक आने के लिए देश के सभी बड़े शहर दिल्ली, मुंबई या कोलकाता से साधन मिल जाएंगे। अगर आप महाकालेश्वर उज्जैन हवाई जहाज की सहायता से जाना चाहते हैं तो बता दें कि इंदौर में महारानी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट उज्जैन का सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। इंदौर के लिए आपको देश के सभी बड़े शहर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद से फ्लाइट मिल जाएगी। यहाँ पहुँचने के बाद आपको उज्जैन तक जाने के लिए कोई भी टैक्सी, बस या कैब मिल जाएगी। महारानी अहिल्याबाई होलकर से महाकालेश्वर की दूरी 56 किलोमीटर है, जिसमें आपको 1 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। अगर आप महाकालेश्वर उज्जैन के लिए रेल से यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो बता दें कि उज्जैन शहर में उज्जैन सिटी जंक्शन, विक्रम नगर और चिंतामन मुख्य रूप से 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। यहां कई ट्रेन नियमित आती हैं जो भारत के महत्वपूर्ण शहरों से उज्जैन को जोड़ती हैं। अगर आप उज्जैन बस या सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो जान लें कि उज्जैन के प्रमुख बस स्टेशन देवास गेट और नाना खेड़ा है। अगर आप अपने निजी वाहन से यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि उज्जैन से भारत को मुख्य शहरों से जोड़ने वाली सड़कें आगरा रोड, इंदौर रोड, देवास रोड, मक्सी रोड और बड़नगर रोड है। इन सड़कों में कई निजी बस चलती हैं। आप अपने वाहन से भी इन्हीं सड़कों की सहायता से उज्जैन आ सकते हैं। तो ये थे दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।